नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रावला क्षेत्र में एक ANM में वन विभाग की भूमि में पिछले 4 दिनों से चल रहे अवैध खनन पर आखिरकार वन विभाग ने कार्रवाई कर एक जिप्सम से भरा ट्रोला व JCB जब्त कर लिया। वन विभाग को उक्त कार्रवाई के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग को उक्त कार्रवाई करने के लिए किरछाना सहित आसपास की रेंज से स्टाफ बुलाना पड़ा। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह सूचना मिली कि एक KNS में वन विभाग में JCB द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना के बाद रावला रेंजर अशोक सिंह शेखावत में टीम मौके पर पहुंचने तो वन कर्मियों के साथ अवैध खनन कर रहे लोग उलझ गए, जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिस पर गरछाना सहित आसपास के रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तथा काफ़ी मकसद के बाद जब्त ट्रोला व JCB रावला रेंज में लेकर आए तथा दोनों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खनन करने वालों में वहां पहुंचे लोगों व कर्मचारियों को मंत्री का नाम लेकर धमकाने की बात भी सामने आई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह शेखावत के अनुसार कितने वन क्षेत्र में कितना जगह में कितना जिप्सम निकाला है, यह आज विभागीय पेमाइश के बाद सामने आएगा। जानकारी के अनुसार उक्त लोगों ने वहाँ पास में कोई छोटी मोटी लीज ले रखी थी और उसी की आड़ में वन क्षेत्र से खनन कर रहे थे। वन विभाग ने पहले इनको इस बाबत चेताया था कि कार्रवाई के समय वन विभाग की टीम में क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह शेखावत के साथ भवानी शंकर, प्यारेलाल, श्यामलाल, वन रक्षक संदीप कुमार, रामपाल, अजय कुमार सहित वन कर्मी थे।